अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन स्पाइसी लॉलीपॉप विथ चीज़ी स्पाइसी डिप। ये रमज़ान स्पेशल है मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो बहुत सारी फरमाइश आई थी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 15 से 20 लहसुन की जवे ली है और तकरीबन 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा और 25 से 30 काली मिर्च और तकरीबन 2 टेबल स्पून विनेगर और 1 टेबल स्पून पानी डाल के यहाँ पे 6 से 7 जितना सूखी लाल मिर्च मैंने भिगो के रख दी थी और ये अच्छे से भीग भी चुकी है। और बस लहसुन अदरक और काली मिर्च हम इसके अंदर में डाल लेंगे और इन सब चीज़ों का हम एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना नमक, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हम इन सब का अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली सॉस और 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली सॉस। वन टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला पाउडर। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर और 2 से 3 टेबल स्पून मैदा। तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर, ये टोटली ऑप्शनल है, और पिंच रेड कलर। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 kg चिकन लॉलीपॉप लिया है, इसमें मैं ये सारे मसाले को ऐड कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे मसाले चिकन लॉलीपॉप के अंदर में जा चुके हैं। अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से मस लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट और भी बढ़िया आए। और फिर हम इसे रख देंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट करके। अब हम बनाएंगे हमारा चीज़ी स्पाइसी डिप। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना बटर और 1 टेबल स्पून जितना मैदा। इसे हम अच्छे से भूनेंगे। हमारा मैदा अच्छे से भून चुका है, इसके साथ मैं यहाँ पे डालूंगी 1/2 कप जितना मिल्क। मैं यहाँ पे तकरीबन 2 क्यूब्स जितना चीज इस्तेमाल करूंगी। अब हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना पानी। टेस्ट के मुताबिक नमक और यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून जितना रेड चिल्ली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून से भी कम गार्लिक पाउडर
अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक क्रश भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून जितना इटालियन सीजनिंग। बस आपने इसे 2 से 3 सेकंड के लिए पकाना है और आप देख सकते हैं हमारा चीज़ी स्पाइसी डिप बनके तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आप इसे 7 से 8-10 दिन के लिए फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और रमज़ान में आप इसे किसी भी फ्राई आइटम के साथ इसे मज़े से खा सकते हैं। हमारा डिप बनके भी तैयार हो चुका है और 7 से 8 घंटे भी हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे चिकन लॉलीपॉप की तरफ। इसे हम डीप फ्राई करेंगे, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे करना है ताकि चिकन अंदर से एकदम से पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चिकन स्पाइसी लॉलीपॉप अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहे हैं। कलर तो आप इसका देख ही सकते हैं कितना बढ़िया आया है। चलिए अब हम इसकी खूबसूरत सी प्लेटिंग करते हैं। एक कप में मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप डाला है, इसके ऊपर मैं चिकन लॉलीपॉप रखूंगी और फिर हमारा जो चीज़ी स्पाइसी डिप है वो इसके ऊपर डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी मज़ेदार आएगा। यहाँ पे मैंने चाट मसाला पाउडर डाला है, ये भी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं इसे और गरम गरम सर्व कर सकते हैं। अपने फैमिली को खिलाए, अपने फ्रेंड्स को खिलाइए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।